सलामैकम स्टूडी में बात करेंगे क्लेजियम की क्लेशियम से इम्पॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट इस डिजीज इसकी डेफिनेशन याद रखें इट इज अ क्रॉनिक स्टेल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेनिलोमा ऑफ द में बोमिंग लैंड में बोमिंग बोमिंग्लैंड का बेसिकली बोमिंग्लैंड से रिलेटेड होती है इसकी एडियोलॉजी क्या है कि इसमें इट यूजली क्लेजियम इज कॉस्ट पाए ऑबस्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिस ऑफ द मै बो इंग्लैंड विच कोड बी आयर बाय एनी इन्फेक्शन या ड्यू टू अन नोन कॉज जो ऑरिफिस होते हैं मैबो ग्लैंड की उसकी ऑबस्ट्रक्शन हो जाती है विच रिजल्ट इन टू अकूमुलेशन ऑफ स्पेशस सिक्रीशन विद इन द एसिन ऑफ द ग्लैंड ये याद रखना होगा प्रेसिटेट फैक्टर्स के हैं डायबिटीज डायबिटिस एंड सेबोरिया पैथोजेनेसिस की क्या पैथोजेनेसिस की बेसिकली इसी तरह होती है कि जो ऑर्फिस होते हैं ग्लैंड का उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से होता है क्या है कि जो लिपिड की सिक्रीशंस होती हैं दे आर रिटेंड एंड एज अ रिजल्ट दिस रिटेंशन ऑफ लिपिड सिक्रीशन इट इंड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेट्री रिएक्शन अराउंड डिट अब क्रॉनिक इफ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स आएंगे जाइड सेल्स आएंगे दीज ऑल विथ्स अराउंड अ बेसिस एंड एसिन एंड देयर कंटेंट एंड साथ में हमको प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स ये सारे जो क्रॉनिक इन्फ्लेट्री इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं वो सब हमको मिलेगा अब होता क्या है कि ये जो रिटेन लिपिड सिक्रीशन एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दीज रिटेल रिपेड सलॉन्ग विद द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दे प्रोड्यूस अ क्लिनिकली विजिबल स्वेलिंग इन द आइलेट एंड डैट स्वेलिंग इज बेसिकली नोन एज योर क्लेजियन ये दिस इज योर क्लेजियन मोर कॉमन होता है अपर आइलेट में आईलेंड में इवन उन्होंने यहाँ पर उन्होंने लोअर आइलेट के लेवल पर दिखाया लेकिन इट इज़ मोस्ट कामन अपर आईलेट क्योंकि हमने पिछली बड़ी में पढ़ा था कि अपर आइलेट के लेवल पर अपर ट्रांसलेट बेड के लेवल पर बोमिंग एलेंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं करेक्टरिस्टिस के क्या होते हैं कि इट इज़ अ पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन द आईलेट और इसमें कोई हमको एक्सटर्नल एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस नहीं मिलते वो जो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस पढ़े थे पांच वो हमको एक्सटर्नली इसमें नहीं मिलते जब हम पेलपेट करते हैं तो इट इंडिकेट्स अ स्मॉल नोड्यूल इन द सब्सटेंस ऑफ आईलेट और जब इवर्ट किया जाता है आईलेट को जिस तरह तो उन्होंने यहाँ पे लोअर आईलेट को इवर्ट किया हुआ है तो इट्स जो तो, तो जो इसमें हमको एक पिक्चर मिलती है उसकी ये पिक्चर मिलती है कि जो कंजंक्ट होता है इट इज़ यूजली रेड और रेडिश येलो ओवर द नोड्यूल एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड लास्टली इसमें ब्लड विजन हो सकता है बाय एस्टिक अगर तो लार्ज क्लेजियन अपर आईलेट के लेवल पे प्रेजेंट हो जाए और वो कॉर्निया को प्रेस करो तो फिर पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसको ब्लड विजन भी हो रहा है मेन जो उसके करैक्टरिस्टिक्स थे वो याद रख लेना कि मोर कॉमन इन अपर आईलेट क्योंकि म्यूबोमिनट्स वहाँ ज़्यादा होते हैं पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग होती है अपर आईलेट की पेल्पेशन करेंगे तो स्मॉल नोड्यूल इंडिकेट होगा और जब एवर्ट करेंगे आईलेट को तो उस तरह कंजंट टाइवा का कलर रेड या रेडिश येलो होगा ओवर द नोड्यूल फेट क्या होती है क्लेजियन की ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है क्लेजोन की अगर स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं हुई तो क्या होता है कि इट लिक्विफाइज टू फॉर्म अ थिन सैक कंटेनिंग अ ग्लेरीरी फ्लूड विच इज़ नोन एज मेबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट Calcium uh, can get fibrosed into a hard nodule or it can calcify and form a very hard nodule. It can get infected and suppurate, and lastly it can burst through the conjunctiva and present as a fleshy mass chonooniapo theiva eecclaiumuga and it is presenting as a fleshy mass through your conjunctiva. कॉम्प्लीशंस uh, की होती हैं एक तो मैकेनिकल टोसिस होती है क्योंकि मैकेनिकल वेट होगा अपना क्लिजन का दूसरा एस्टिक हो सकती है क्योंकि वही अगर तो अपर uh, एड के लेवल पे होगा तो वहाँ से मैकेनिकल प्रेशर पड़ रहा होगा ओवर ट्वेल्व ओ क्लॉक पोजिशन ऑफ कॉर्निया एज ए रिजल्ट ब्लड विजन दो कॉम्पलिकेशन याद रखनी है मैकेनिकल टोसिस एंड ब्लडिंग ऑफ विजन हो जाती है डिफ्रेंशल डायग्नोसिस तीन एटलीस्ट याद रखने होंगे किसके अगर जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो क्लेजन के अलावा और हमारे के डी डीज क हो सकते हैं सिबेश ग्लैंड एडीनोमा सेस ग्लैंड कार्सिनोमा सार्कॉइड ग्रैंडिलोमा डर्मल ट्यूब्रोकलोस फंगल इन्फेक्शन और योर फॉरन बॉडी ग्रेनीलोमन में एटलीस्ट तीन याद रख लेनी है ट्रीटमेंट क्या होती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है अगर तो स्पॉन्टेनियसली रेजोट ना करें तो हम बॉम्ब कम्प्रेस करते हैं सेवरल टाइम्स अ डे उस क्लेजियम के लेवल पे। हम टॉपिकल स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक काम्बिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं टॉपिकल आईड्रॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं विच कंटेन बहुत स्टेटेयड एंड एंटीबायोटिक या हम कभी कभी टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी आईड्रॉप्स भी दे देते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकली अगर हमने इसको ट्रीट करना हो तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे हमारे पास आ जाती है ट्राई एमसिनोलान एसिटोनाइड पॉइंट वन टू पॉइंट टू मिली लीटर्स सिस्टेमिक एंटीबाटिक्स दे देते हैं अगर तो क्लेजियन एसोसिएटेड हो विद एक्नीरो रोसेशिया और ब्लेफ्राइटस सर्जिकली ये देखा जाता है अगर तो सर्जरी करवानी पड़े तो लोकल एनेस्थीसिया दे हम सर्जरी कराते हैं सर्जरी का यह याद रखना है कि जो आईलेट होती है उसको हम इवर्ट किस तरह करेंगे आईलेट को हम इवर्ट करेंगे थ्रू क्लेजियन क्लैंप ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखने होंगे कि द आईलेट इसटेड विद क्लेजियन क्लैंप और फिर जो लीजन होता है इट इज़ इन साइज एंड देर कॉन्टेंट्स आर क्यूरेटेड और क्या कहते हैं कंजंक्टाइवल साइड से दिया जाता है ये इंसिजन ये इंसिजन किस तरह का होता है वर्टिकल इंसिजन होता है सर्जरी के लेवल पे याद रखना होगा एक तो लोकल एनस्थीजिया देना है लिड को हमने इवर्ट करना है एक लेजन क्लैम्प से और जो कंजंक्टाइवल साइड पे हमने इंसिजन देना है वो वर्टिकल इंसिजन देना है फिर कॉन्टेंट्स को क्रिएट करके बेसिकली निकाल देना है लास्टली जब ऑपरेशन पूरा सही सक्सेसफुल हो जाए तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टीरोड्स के ड्रॉप्स देते हैं विच आर टू बी अप्लाइड थ्री टू फोर टाइम्स डेली फॉर अ वीक देन आ जाता है मार्जिनल क्लेजियन मार्जिनल क्लेजोन के क्लिनिकल फीचर्स फेयर ट्रीटमेंट सारी वही है जो नॉर्मल क्लेजोन की थी मार्जिनल क्लेजोन बस ये याद है कि जो मार्जिनल क्लेजोन होता है इट डेवलप एट द मार्जिन ऑफ आईलेट कि इसमें बेसिकली जो डक्ट होते हैं वोमिंग लैंड का इट प्रोजेक्ट्स ऑन टू द लेड मार्जिन एज अ रेडिश नोड्यूल जिस तरह तो ने यहाँ पे दिखाया हुआ है और इट कुड बी ड्यू टू आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ जीस इसकी वजह से मार्जिन एक्जन हो जाते हैं इसका बस ये थोड़ी सी पैथोजेनेसिस अलग थी नॉर्मली इक्जन किस तरह होता है उन्होंने पीछे पढ़ लिया था कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेबोम ग्लैंड के और इसकी वजह से जो लिपिड सिक्रेशन होती हैं दी आर रिटेन एंड एज ए रिजल्ट्रॉनिक इन्फ्लेमेट्री इन्फिल्ट्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड बोथ ऑफ दिस थिंग्स द प्रजेंट एज क्लिनिकली विजिबल नॉन पेनफुल स्वेलिंग इन द लेवल ऑफ योर आईलेट so that was all to do, you and i hope you enjoy this one and thank you